दंगल गर्ल्स फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा जो रिसेंटली चाइना से लौटी हैं, आजकल ले रही हैं डांस क्लासेस। और मंडे को अपनी डांस क्लास से फातिमा और सानिया ने शेयर किए कुछ वीडियोस, जिनमें उनके डांस टीचर उन्हें फिल्म सत्यमेव जयते के दिलबर सॉन्ग पर डांस लेसन्स दे रहे हैं। और सानिया के साथ ही मुन्ना माइकल एक्ट्रेस निधि अग्रवाल ने भी अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर की है एक डांस प्रैक्टिस वीडियो। जबकि पद्मावत की मेहरुनिसा यानी आदिति राव हैदरी ने बताया कि वो एवरग्रीन रेखा को कितना एडमायर करती हैं। सोनम कपूर के हस्बैंड और एंटरप्रेन्योर आनंद आहूजा ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपना 35th बर्थडे, जिसके ग्लिम्सेस आनंद ने सोशल मीडिया पर भी किए शेयर। वेल, 2014 में फिल्म पगली से अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाली कियारा अडवाणी आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना 26th बर्थडे। लेकिन मंडे को कियारा के क्लोज फ्रेंड्स और कॉलीग्स ने उन्हें दिया एक सरप्राइज और एडवांस में सेलिब्रेट किया कियारा का बर्थडे। वहीं एक्ट्रेस प्रीति जिंटा और भाग्यश्री अपने वर्कआउट वीडियोस के साथ अपने फैंस को कर रही हैं मोटिवेट टू इंक्लूड एक्सरसाइज इन देयर एवरीडे रूटीन। वहीं फिल्म मेकर एक्टर सनी देओल और फिल्म मेकर करण जौहर ने शेयर की अपनी अपनी फिल्मों यमला पगला दीवाना फिर से और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की नई रिलीज डेट। वहीं लास्ट वीक भारत से प्रियंका चोपड़ा की एग्जिट के बाद सलमान खान ने अनाउंस कर दिया है अब इस फिल्म में उनके साथ नजर आएंगी कैटरीना कैफ। सलमान ट्वीटेड, एक सुंदर और सुशील लड़की जिसका नाम है कैटरीना कैफ, स्वागत है आपका भारत की जिंदगी में। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।